आगे काम में पेंडिंग पड़े हैं, जो भी वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से ये मैं मांग करता हूँ कि जो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के संचालक मंडल हैं, इन संचालक मंडलों को बर्खास्त किया जाए और महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के ऊपर प्रशासक की नियुक्ति किया जाए जब तक सीओ नहीं है। और इसी तरह जितने भी वक्फ मेंबर हैं महाराष्ट्र के, इनकी जो धांधलिया है वो आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए हमारा ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर के तले ये मांग की जाती है कि जो भी संचालक मंडल है इनको बर्खास्त किया जाए, और 2013 को जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट आया हुआ है वो अमेंडमेंट खारिज किया जाए, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की जितनी भी प्रॉपर्टी है सही तरीके से अगर वो यूज़ हो सके तो उसका फ़ायदा नौजवान बेरोजगार सबको इसका फ़ायदा होगा, और कोई मुस्लिम बच्चा या बच्ची या किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ फैलाना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, बाकी किसके सामने नहीं। और ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये बस प्रॉपर्टी खोज कर खाने की इनकी कोशिश साजिश है, और जल्द से जल्द हमारी जितने भी मांगे पूरी किया जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से आज जंतर मंतर पर धरना देने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खिदमत में एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जिस तरह से तमाम महकमे जात की अलग अलग वजारतें कायम हैं, उसी तरह से वजारत वक्त कायम की जाए और मुल्क भर में जो वक्त इमलाक पर नाजायज़ कब्जा जात हैं उसको हटाकर वो इमलाक वक्त बोर्ड के हवाले की जाए, और वक्त बोर्ड में अब तक जो भी घोटाले हुए हैं, ज़मीनों की बंदरबांट की गई है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के जज की मार्फत पैनल बनाकर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि पूरे मुल्क में लाखों एकड़ ज़मीन मुसलमानों के आबा अजदाद ने उनकी कौम की फला बहबूद के लिए वक्फ की है, और आज वो उसमें से ज़्यादातर इमलाक पर या तो गैर मुसलमानों के कब्जे जात हैं या फिर सरकारी दफातर उस पर कायम किए गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे समाज में रहते हुए गैर कानूनी हरकतें करते हुए उस पर कब्जा करे हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वक्फ बोर्ड को उसकी इमलाक हवाले की जाए, ताकि मुसलमानों को दर बदर ठोकर खाने की ज़रूरत न पड़े और उनके आबा अजदाद का वक्फ किया हुआ पैसा वो मुसलमानों की फला बहबूद के काम में आए, बेवाओं को, यतीमों को और बेसहारों को लिए एक सहारा बने और उनको किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज अगर लाखों एकड़ ज़मीन हमारे मुसलमानों के जो बाख्तियार इदारा वक्फ बोर्ड है उसके कब्ज़े में आती है तो उससे पूरी कौम का फ़ायदा होगा और हुकूमत से हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मुसलमान इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो अपने खुद अपने पैसों का अपनी कौम के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। यही मुतालबाती मेमोरेंडम हमने आज दिया है और हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, वरना नेशनल प्रेसिडेंट शाही इमाम मौलाना नियाज अहमद कासमी, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट कारी कमर आलम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी अल्लामा हसनी बुनई, महाराष्ट्र सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी, महाराष्ट्र सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख, जनरल सेक्रेटरी जावेद सौदागर और तमाम लोगों की जानिब से हम ये ऐलान करते हैं कि इसके बाद इस तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाएगा और मुल्क भर में
जद्दोजहद कर कर अपने इस मुतालबे को मनवा कर मुसलमानों को इंसाफ दिलाया जाएगा।